प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण किसी को भी नहीं छीनने देगा। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले मेरी इस कोशिश से भी भड़के हुए हैं। इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड SC ST OBC का आरक्षण छीनने का रहा है। ये संविधान की भावना का, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना का अपमान कर रहे हैं। ये दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीन कर उसे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। मोदी ने इनकी सबसे बड़ी साजिश से पर्दा उठा दिया है, इसलिए बौखलाए हुए हैं और मोदी को लगातार नई नई गालियां देते रहते हैं। मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण किसी को भी छीनने नहीं देगा। अपनी सरकार के 10 साल में मैंने लगातार SC ST OBC के आरक्षण की रक्षा की है। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले मेरी इस कोशिश से भी भड़के हुए हैं। दरअसल आरक्षण को लेकर इनके खुद के इरादे बहुत खतरनाक हैं। इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड SC ST OBC का आरक्षण छीनने का रहा है। सरकारी नौकरी में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, स्पोर्ट्स में, सरकारी टेंडर में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, यूनिवर्सिटी के दाखिले में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, ये संविधान की भावना का, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना का अपमान कर रहे हैं। ये दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर उसे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर देश को बांटने की एक और बड़ी गहरी साजिश है। 2024 के इस चुनाव अभियान में मोदी ने इनकी इस सबसे बड़ी साजिश से पर्दा उठा दिया है, उनको बेनकाब कर दिया है और इसलिए बौखलाए हुए हैं और लगातार मोदी को नई नई गालियां